तो दोस्तों जल्दी से यार डिस्क को एंटर करते हैं इसके माउथ में और लाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे, बहुत सारी लाइटिंग है इस रूम में, ताकि हमें प्रोजेक्शन जो है ना आसानी से दिख जाए। तो ये फिट हो चुका है, अब जरा मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त इस रूम में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही है और मैं ऑन करता हूँ जरा इसको। वाह, तो यार इस तरह से कुछ प्रोजेक्शन होगा और यहां से आप इसको शार्प कर सकते हो इमेज को। और एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैंने जूम कर दिया इमेज को और आप काफी देख रहे हो कि काफी अच्छा यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन आ रहा है। इसमें आप यार दो तीन तरह से वर्क कर सकते हैं। एक तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप डायरेक्टली स्केच पेन लेके आप इसको इस तरह से कुछ ड्राइंग कर सकते हो इसके ऊपर ऊपर ट्रेस पेपर की तरह, या आपके पास अगर ड्राइंग शीट है तो आप इस तरह से करके भी इसके ऊपर शेड आ गया और इसके ऊपर भी आप ड्राइंग शीट के ऊपर इसको ड्राइंग कर सकते हो। तो बड़ा ही कमाल का फीचर ये है और इसमें काफी तरह अच्छी अच्छी ड्राइंग्स है। मैं आपको थोड़ा सा इसको घुमा के दिखाता हूं। काफी मजेदार यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्शन वो आपको दिखाई दे रहा होगा और मुझे काफी मजा आ रहा है। एक बार दूसरी डिस्क को भी हम डाल के देखते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में यार एक छोटा सा डस्टर भी हमको मिलता है कि अगर आप इसी बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाते हो तो आराम से इस डस्टर को गीला करिए और गीला करके आप इसे कुछ इस तरह से साफ कर सकते हो तो आराम से ये साफ हो जाएगा। दूसरा यार इसके अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा। और सबसे मजे की बात मुझे यहाँ पे एक लगी कि यार इसके ऊपर कोई भी व्हाइट शीट रखो और जो भी डिस्क में ड्राइंग है उसके साथ साथ आप आराम से किसी कोने में बैठ के अपना आराम से बनाते रहो। इससे आपके अंदर यार जो ड्राइंग की जो स्किल है ना वो आराम से डेवलप होगी और आप अच्छे से ड्राइंग को और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो पे लाइक तो जरूर कर देना और अगर